चलो यार गाइस, खाना तो बन गया घर में सबके लिए। फटाफट से सबको बुला के लाता हूँ और खाना खिला दूँ। नहीं भाई, ये लोग तो रोज भूल ही जाते हैं खाना खाना। ये सिंचन कर क्या रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया, आप भी यहाँ पे आके देखो। अबे क्या देखूँ, ऐसा क्या आया देखने लायक? अरे फ्रैंकलिन भैया, हवा में बोतल लटक रही है। अबे कहाँ हवा में लटक रही है? अरे फ्रैंकलिन भैया, सामने देखो, छतरी के नीचे। अरे यार बोल तो तू भी सही रहा है कि हाँ लटक तो रही है भाई, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? अरे फ्रैंकलिन भैया, इसी को जीटीए का ग्लिच बोलते। अबे यार चलो कोई ना भाई, घर में वैसे भी बहुत सारे ग्लिच आ रखे हैं, तो उसको सही कराना पड़ेगा बहुत जल्दी। अरे फ्रैंकलिन भैया, वो तो नहीं पता कितनी जल्दी होगा, लेकिन हो ही जाएगा कभी ना कभी। सही बोला यार। वैसे मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि आज हमें कार्गो बॉब से बहुत जरूरी काम करना है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, पता है, लेकिन यहाँ का जो सोफा है ना, वो अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगता है हमें सोफा बदलना चाहिए, दूसरा वाला रखवाना चाहिए। क्या बोल रहा है भाई, इतना सॉफ्ट सोफा मैं लाया था, वो भी इतना महंगा, अब उसमें भी तू मुझे बता रहा है तोनार। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, तोनार वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे मजा नहीं आया, आप उसको चेंज करा लो। अरे हाँ हाँ भैया, करा लेंगे, आगे चल के चेंज कराते हैं उसको। सबसे पहले जो कार्गो बॉक्स का काम है वो करवाते हैं। यार क्या हुआ, मेरा नाम क्यों ले रहा है से? अबे तेरा नाम कार्गो बॉब नहीं है, हग्गू बॉब है। अरे यार ऐसा नहीं है, मेरा नाम पे प्लेन भी है। प्लेन नहीं होता बेटा, हेली होता है। आओ फ्रैंकलिन भैया, वैसे एक बात बताऊं? हाँ हाँ बता दे। आओ फ्रैंकलिन भैया, हमारे फाइनली 9 के सब्स हो गए। अरे हाँ यार गाइस, ये तो मुझे याद ही नहीं आता। हाँ गाइस, हमारे फाइनली 9 के सब्स हो चुके हैं भाई। धन्यवाद तुम लोगों का बहुत बहुत, इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। ऐसे ही प्यार दिखाते रहो तो हम और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। अरे फ्रैंकलिन भैया, तो फटाफट से उसके लिए तो इन लोगों से बोलना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अरे हाँ हाँ, बोलने तो वाला था, तो चलो गाइस फटाफट से कर ही दो जो जो सिंचन ने बोला है, और फटाफट से 10 के पहुँचा दो यार, क्योंकि 9 के हो चुके हैं। मुझे नहीं पता तुम लोग इतना ज़्यादा प्यार मुझे दिखाओगे, लेकिन धन्यवाद इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। यार तुझे कोई प्यार नहीं करता, तो उससे ज्यादा तो हम लोगों को प्यार करता है। अच्छा पूछ ले लोगों से कमेंट सेक्शन में। हाँ हाँ, तो गाइस ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि तुम लोगों में से भाई सबसे ज्यादा तुम लोगों को कौन पसंद है हम में से। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, देख लेना, सब तो मुझे पसंद करते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि भाई तू है ही इतना प्यारा यार, मैं नहीं हूँ तो क्या कर दूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। पहले फटाफट से मैं तुम लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमें ये पत्थर हटाने कार्गो बॉब से, पता है तुझे? यार मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि बर्गर खाने है जो ऊपर रखा है। अरे यार तुझे कैसे पता चला कि मैंने बर्गर ही बनाया है? अरे यार क्योंकि मुझे खुशबू आ गई थी, और मुझे पता है कि मेरा मालिक मुझसे कितना प्यार करता है, इसलिए बर्गर ही बनाएगा। हाँ हाँ गाइस, तो फटाफट से पहले हम ये पत्थर हटाते हैं, उसके बाद वहां से एक पिलर बनाना चालू करेंगे, और वो पिलर आएगा हमारा नीचे तक, ठीक है? ऐसे आएंगे 2 पिलर, और मैं सोच रहा हूँ स्विमिंग पूल का एरिया भी इंक्रीज किया जाए, तो उसको भी इंक्रीज करते हुए हम और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हमें ये वाला पेड़ शिफ्ट करना होगा और पत्थर सारे हटाने होंगे। आओ फ्रैंकलिन भैया, तो लग जाओ काम पे क्या? अरे लेकिन उससे पहले हमें पिलर्स की वो करने जानी होगी, बुकिंग की, भाई हमारे पिलर्स आ जाएं, तो फटाफट से तोतले के पास चलते हैं पहले तो। अरे फ्रैंकलिन भैया, लेकिन ये बताओ ये वॉल कैसे टूटी? अबे यार सिंचन देख, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि सुबह सुबह कोई ट्रक आया था और वो आके डायरेक्ट उसमें घला है, उसी की वजह से वो वॉल टूटी है। आओ फ्रैंकलिन भैया, तो अब ये कैसे सही होगी? अरे उसकी टेंशन तुम मत लो, हम वैसे भी उसको कवर करेंगे, तो भाई मैं उसको चेंज कर दूंगा उसी टाइम, तुम लोग टेंशन मत लो। लेकिन फटाफट से गाड़ी में बैठो, हम चलते हैं। पहले देखो हम बुकिंग करके आते हैं अपने प्लस की, तो उसके बाद हम अपना काम आराम से कर पाएंगे। अरे फ्रैंकलिन भैया, लेकिन ऐसा कब हुआ कि हमने अपना काम आराम से कर पाया और आपने तो गाड़ी भी खल दी? अरे यार मैं क्या करूं भाई, गलती हो जाती है, छोटी मोटी खल जाती है गाड़ी। सॉरी भैया, गलती हो गई, माफ कर दो सिंचन जी। आओ फ्रैंकलिन भैया, आज बड़े प्यार से बात कर रहे हो, क्या बात है? अरे यार क्योंकि मैं खुश हूँ भाई, मेरे 9000 सब्सक्राइबर हो गए इतनी मेहनत करने के बाद, और ज्यादा बढ़ जाएंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। अरे यार सही बोला, जल्दी से जाके बुकिंग कर दे, उसके बाद मुझे घर पे जाके बर्गर भी खाना है। हाँ हाँ चलते हैं भाई, रुक जा यार, ये गाड़ी का पता नहीं स्टीयरिंग कैसा हो रहा है, अभी जब अपग्रेड कराई थी सब सही था, ड्रिफ्टिंग असिस्ट भी अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अब भाई कुछ दिनों से काम ही नहीं कर रहा कुछ भी अच्छे से। आओ
फ्रैंकलिन भैया, मुझे लगता है कोई खराबी आ गई, इसको जाके चेक कराओ कंपनी में। अरे यार चेक तो मैं करा लूँ, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है ना भाई, देख तो रहो तुम लोग, मुझे दिन भर तो काम करना पड़ता है, समझ में ही नहीं आता कुछ की करना क्या है। दे मालक तुम तो आते आते। अरे यार मैं तो यहीं से आया था, तुझे देख रहा था, लेकिन तू पीछे क्या करने गया था? अरे मालक मैं ढाल मारने गया था, ढाल मारने। अरे यार तुझे शर्म नहीं आ रही, वॉशरूम नहीं जा पा रहा था? आधे मतलब मेहनत होता, दही मार दूध तता ताम तता तो। अरे यार ठीक है बढ़िया। क्या तू ना ये बता कि तेरे पास पिलर्स होंगे? आधे मालत हमारे जाता था वह तो दता तता तय है। देख मुझे तो एक तो पिलर्स चाहिए, ठीक है, उसके बाद ये जो प्लाई वुड्स रखी है तेरे पीछे, मुझे ये भी चाहिए क्योंकि इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी फ्लोर बनाने में। मैं सोच रहा हूँ अपना पूल भी एक्सटेंड कर दूँ, तो भाई पूल एरिया का अंदर का पिलर्स विलर्स और टेल वाइल भी चाहिए, और सब कुछ मतलब ऑब्वियस ही बात है चाहिए, सीमेंट वेमेंट भी लगेगी। आधे मान लो तुम टेंथर तो दे दो, हम थब लाते दे दे, प्लाईवुड थब लाते दे दे, तुम टेंथर मतलब होम डिलीवरी दे दे। अरे यार तेरी होम डिलीवरी तो इस टाइम पे अच्छी काम कर रही है भाई, घर पे बढ़िया सामान भेज रहा है तू, आज बस लेट मत जाइयो। आधे मान लो थम लेते हो तो तुम टेंथर मतलब टेंथर मतलब। अरे ठीक है तो फिर पैसे वैसे भी तभी ले लियो। आधे हाँ मान लो तुम टेंथर नहीं लो, पैसे तो बात ही नहीं है, तुम चाहे तो बार बार ऊपर चल रहे हो, लात मार ले। अरे यार मैंने सोचा लात मार के देखूं कुछ होगा। भैया आप तो खुद ही लुढ़क गए लात मारने में। अबे यार क्या बताऊं, वो ज्यादा ही मजबूत थी। चलो कोई ना, चलते हैं फटाफट से यहाँ से। लेकिन इस प्लाईवुड में लात मारने से आदमी कहाँ से टपका? अबे यार सिंचन वही मैंने भी देखा कि मेरे ऊपर एक आदमी आया और वो एकदम से गायब भी हो गया। आधे मतलब बिल्डिंग था भूत है, भूत है, वो तभी आ सकता है, जा सकता है। अबे यार कैसी भूतिया बिल्डिंग है भाई, यहाँ से तो जल्दी निकलना चाहिए। आओ फ्रैंकलिन भैया, मुझे भी आज ही पता चला कि यहाँ बिल्डिंग में भूत रहता है, अब हमें लौट के कभी नहीं आएंगे। अरे यार भूत तो मुझे भी देखना था, लेकिन तुम लोग भगा लाए। हाँ हाँ हग्गू बाप, सबसे ज्यादा तुझे ही डर लगता है समझ रहा है, इसलिए तेरी बोलती तक नहीं खुली। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अभी भी जा सकता हूँ वहाँ पे, और रात को भी। हाँ हाँ तो इतना है तो चला जाना अभी। अरे यार मेरा मूड नहीं है, तो बर्गर खाना है ना घर पे चल के। हाँ हाँ भाई हग्गू बाप के बहाने हैं भाई ये सब, चलो फटाफट से घर पे चलते हैं और फटाफट से काम शुरू करते हैं, क्योंकि भाई बिल्डिंग हमें अपने हाथों से बनानी है, हमारे पास पैसा नहीं बचा कि हम भाई बिल्डर को बुला के बनवाएं। यार मेरी गाड़ी का ड्रिफ्टिंग असिस्ट क्यों आग रहा है यार, सुबह से परेशान कर रही है मुझे, मैं भाई इसमें आग लगाने वाला हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होते, अगर ऐसी गुस्सा होने लगी तो अपनी तो सारी गाड़ियां बर्बाद हो जाएंगी। अबे यार सिंचन सही बोला तूने, आजा फटाफट से कार्गो बॉब उठाते और चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया यहाँ पे आपने कार्गो बॉब ला के कब खड़ा किया? अबे यार कल वाली वीडियो में यही तो किया था कि हम कार्गो बॉब ही तो लेने गए थे अपने पैसे कमा के। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया लेकिन वो तो मैं भूल गया था ना। अरे ठीक है भूल गया, ऑगी बन रहा है ना तू, आजा फटाफट से चलते हैं। फ्रैंकलिन भैया ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभार मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा छुटकुसा हूँ ना, और मेरा दिमाग भी थोड़ा छुटकुसा है। अरे ठीक है आजा छुटकुसे सिंचन, फटाफट से चलते हैं। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया चल लेते हैं, क्या डरने वाली कौन सी बात है। आओ फ्रैंकलिन भैया हम लोग नीचे से ही देखते हैं, हेली में बैठने का मुझे ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मुझे सही नहीं लगता, वॉमिटिंग सी फील होती है। अरे हाँ हाँ चौप तू नीचे ही रह, और हग्गू बॉब कहाँ गया? अरे यार मैं तो बर्गर खा रहा हूँ, तू भी खाएगा क्या? नहीं भाई तेरे लिए बनाया स्पेशल बर्गर है, तू खा टेंशन मत ले। अरे यार इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है क्योंकि तू नहीं खा रहा? अबे मैं काम कर लूँ उसके बाद खाऊंगा, मेरा भी रखा होगा बगल में। अरे यार अच्छा वो बगल वाला तेरा था क्या, मैं तो खा गया। अरे यार सारे बर्गर खा लिया भाई ये सगुन है, अब बेटा देख लेना मैं तेरे लिए खाना भी नहीं बनाऊंगा कल से। अरे यार ऐसा मत कर, तू मेरा अच्छा मालिक है ना। नहीं भाई मैं तेरा कोई मालिक वाले नहीं हूँ, तू जाके जा दूसरा मालिक ढूंढ, मैं तेरे को खाना खिला खिला परेशान हूँ भाई, मैं जितने बर्गर बनाता हूँ सारे खा जाता है, मेरे लिए छोड़ा तक नहीं। अरे यार कोई बात नहीं, तू जोमेटो कर लियो। हाँ हाँ जोमेटो वाला भैया तो मेरा रिश्तेदार है, फ्री में दे देगा। आओ फ्रैंकलिन भैया कोई बात नहीं, जल्दी पत्थर ऐच करो और डालू बाहर। अरे हाँ हाँ कर तो लिए, लेकिन भारी है भाई, कार्गो बॉब भी नहीं संभल पा रहा पत्थर उठाने के बाद। अरे फ्रैंकलिन भैया कोई बात नहीं, अरे आराम से कर लेंगे ना, ज्यादा प्रेशर मत डालना नहीं तो उसका विंच टूट जाएगा और हमारा सारा काम बर्बाद हो जाएगा और वो प्लेन भी बर्बाद हो जाएगा। अरे फिर प्लेन हेली है भाई, हेलीकॉप्टर बोल। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया जो भी हो वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि दिमाग से काम लो। अरे हाँ हाँ भैया ले रहा हूँ दिमाग से काम, यार जा रहा हूँ फटाफट से दूसरा पत्थर लेना, तुम लोगों ने तो इतना परेशान कर रखा है ना, कभी कभार ऐसी गुस्सा आते, लेकिन ठीक है फिर लगता है कि चलो छोड़ो। अरे फ्रैंकलिन भैया कोई बात नहीं,
नहीं, छोड़ ही दो ना फिर तो। यार सिंचन छोड़ ही तो नहीं सकता, मेरे छुटकू से बच्चे है, मेरे को सारे पिक करने पड़ेंगे। हम सारे पिक करते हैं फटाफट से, बस थोड़ा सा काम है, तो टेंशन मत ले। देख फटाक से एक और पिक कर लिया, अभी देख तू यहाँ से पिक करके चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भी आराम से, अभी बताए कार्गो बॉक्स टूटता। अरे कोई बात नहीं यार, हम फिर से सही करा लेंगे उसको, तू टेंशन मत ले। एक और पत्थर हमने उठा लिया ना, ऐसी सारे उठा के हम तोड़ते हैं और फिर चलते हैं, उसको साफ करते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया स्किप कर दो यार, बहुत बोरिंग पार्ट लग रहा है। अबे यार ये बात तो सही है, यार गलत बात है, तू सब कुछ स्किप कर देता है, हमको दिखाता नहीं है। अरे यार तो फाइव वो बोरिंग पार्ट है ना यार, कर देना स्किप। यार ऐसा मत कर, मत करना स्किप। अरे यार मैं कर रहा हूँ स्किप, क्योंकि भाई अब वैसे भी मुझे कार्गो बॉब का काम नहीं बचा। मेरे को लगता है भाई हम सिंपली अपने डोजर से भी कंप्लीट कर सकते हैं। आओ फ्रैंकलिन भैया वो बड़ा वाला पत्थर और बेंच कर लो, उसके बाद स्किप कर देना। सही बोला यार मेरे चॉप, तू हमेशा सही बोलता है, ये सब गलत बोलते हैं। सिंचन और चॉप ही सही बोलते हैं, हग्गू बॉब तो हमेशा गलत बोलता है। यार मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है घर में। अरे यार तो तू गलत बोलता है, तो इज्जत कहाँ से होगी, फटाफट से बेंच करना है और मुझे यहाँ से जाने दे। फ्रैंकलिन भैया यही बड़ा वाला पत्थर उठा लो, उसके बाद आप कर लेना स्किप, टेंशन मत लो। हाँ हाँ वही भाई मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग पार्ट लगता है भाई ये सब सामान उठाने उठाने वाला, मेरे को सामान लगाने वाला पार्ट सबसे बढ़िया लगता है। आओ फ्रैंकलिन भैया सही बोला आपने भी, ये काम तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। सही बोला यार तूने, मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है ये सब काम। यार लेकिन मुझे बहुत पसंद है, जब तू परेशान होता है ना तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ हग्गू बाप तुझे तो अच्छा लगेगा ही, फटाफट से मैं स्किप करने जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ डोजर उठाने, क्योंकि अब तो डोजर से भी हटा सकते हैं सारे पत्थर, फटाफट से डोजर से हटाते हैं। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया मैं भी खाना खा के आया, आप जब तक हटाओ। अरे हाँ हाँ मैं हटाता हूँ, तो चलो गाइस हम अकेले बचे हैं, हमारा बस चॉप खड़ा हुआ है बगल में, बाकी सब चले गए क्योंकि सिंचन को भूख लगी, सिंचन खा रहे। हग्गू बॉब तो बर्गर खाने में लगे। यार ये क्या हुआ, सारे पत्थर बिखर गए यार। आओ फ्रैंकलिन भैया आराम से, नहीं तो अपना डोजर भी टूट सकता है, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। अरे सही बोला है यार तूने चॉप, फटाफट से इसको हटाते हैं, थोड़े से और बचे हैं, इनको फटाफट से साइड में करते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ भाई इसको भी कर दें यार, क्योंकि ये भी बहुत बोरिंग काम लग रहा है भाई, वो पत्थर चिपक गए हैं पता है, बहुत मुश्किल से हटने वाले हैं। आओ फ्रैंकलिन भैया एक काम करो, जितने हट पा रहे हो हटाओ, नहीं तो उसके बाद स्किप करके हटा दो सारे। अरे सही बोला यार तूने, क्योंकि मुझे बहुत बेकार काम लगा ये, फटाफट से इसको स्किप करते हैं। हाँ गाइस फाइनली सारे पत्थर हट गए, मुझे नहीं पता था भाई हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने उसमें सीमेंट डाल के उन्हें चिपका दिया भाई, बड़ी मुश्किल से हटे हैं। लेकिन हाँ अब हमारा सारा फ्लोर साफ है। अब देखो तुम लोग मेरा प्लान सुनो, पहले हम ये वाला स्विमिंग पूल बंद करेंगे, जब तक मतलब काम चलेगा तब तक के लिए सिर्फ बंद करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आगे गड्ढा खोदेंगे, यहाँ पे भी हम स्विमिंग पूल लाएंगे। तो मैं फटाफट से अपना कार्गो बॉब लेके आता हूँ, और जैसे कार्गो बॉब का कोई काम नहीं है, अरे है ना यार पिलर लगाने, मैं तो ध्यान ही भूल जाता हूँ, उसको फटाफट से उतारते हैं और फिर लगाते हैं भाई तोतले को कॉल, क्योंकि तोतला कह रहा था मैं सामान लेके आ रहा हूँ लेकिन अभी तक उसका सामान नहीं आ पाया। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे लगता है तोतला भूल गया। अरे यार सिंचन हो सकता है, लेकिन फटाफट से कार्गो बॉब रखने थे भाई, मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा कि सूटेबल है। अरे पलट गया बचिया भाई, आराम से यहाँ पे लैंड कर देते हैं प्यार से, तू भी उतरा सिंचन आराम से, नहीं तो गिर जाएगा। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया मैं तो उतर आया, तोतले को कॉल करो। अल्लाह हाँ माना मतलब पता तो माला तमान लेते आना तब तेरा थोड़ा हैली थोड़ा थला तो देता ले लेते जाऊँ। अरे यार तू बोल रहा था कि तेरी होम डिलीवरी बड़ी फास्ट है बड़ी फास्ट है, अभी तक आ नहीं पाया। अरे यार मान लो बोलता था हैली थोड़ा सा खराब होता है, प्लीज माफ कर दो जल्दी आ लाऊँ। अरे यार जल्दी आ जा, मुझे यहाँ पे काम करना है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, फटाफट से पिलर लिया। अरे हाँ मालिक मैं लेते आता हूँ तुम्हारे पिलर, तुम टेंशन मत लो यार, मैं अब तब तुम टेंशन मत लो, मैं पता पता आता हूँ। अरे यार जल्दी आ जा फटाफट से आता हूँ। अरे यार सिंचन चल तो फटाफट से हम खाने खा लेते हैं, और ये कार्गो बॉब भी उसी साइड पार कर देंगे, क्योंकि मुझे ये सूटेबल नहीं लग रहा, यहाँ से गिर भी सकता है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया आपको तो अपने लिए कुछ बनाने भी पड़ेगा, क्योंकि हग्गू बॉब तो आपका बर्गर खा गया। अरे यार चलो कोई बात नहीं, तो चलो गाइस फटाफट से खाना खाने चलते हैं, तब तक तोतला भी आ जाएगा, तो मैं खाना खाने के बाद तुम लोगों से बात करता हूँ। चलो गाइस फाइनली हमने खाना खा लिया, और सिंचन जी भी खा रहे हैं, क्योंकि मैंने पास्ता बनाया था, और सिंचन को फिर से भूख लगाई पास्ता देख के। अरे मालत मैं आता तुम टेंशन मत लो। अरे यार चलो फाइनली गाइस तोतला हमारे पिलर ले आया। अरे मैं तो गिर गया, अबे क्या स्टाइल पे गिरा हूं, लेकिन देखने लायक अबे मुंह टूट गया यार। चलो कोई बात नहीं, फाइनली हमारे पिलर आ चुके हैं। अब तुम लोग सोचोगे इतने सारे पिलर क्यों है, तो भाई इससे मैं बनाने वाला हूँ घर में बहुत अच्छी डिजाइन, इसलिए मैं ये पिलर मंगाए हैं। तुम लोग को एक बार बता देता हूँ कैसे बनेगा वो, यहाँ पे आगे
स्विमिंग पूल और ज्यादा इंक्रीज होगा और वो लाइन ऐसे आएंगी ऊपर से यहाँ तक, मतलब वो अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो भाई वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए बहुत सारा काम हमने कर लिया ऑलरेडी और वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना हम घर में और ज्यादा क्या कर सकते हैं। बाकी भाई वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। मेरा यूजर नेम यहाँ होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिखा वहां से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।